वहीं उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ सशक्त राज्य बनाने का रोडमैप दिखा। आपको बता दें कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड परिकल्पना नहीं विश्वास है। प्रदेश की तरक्की में अहम योगदान देने वालों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई उपलब्धि हासिल हुई है। हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। भोजन अवकाश के बाद 3 बजे से फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित की जा रही स्थापना वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के 3 जिलों यथा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के 5 विकास खंडों के 51 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का ढांचागत कौशल विकास, आर्थिक वृद्धि, आजीविका विकास का कार्य किया जाएगा। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंट फ्यूचर विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित 12 राज्यों में राज्यों के 134 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा राज्य में लाभार्थी परक एवं महत्वपूर्ण संचालित की जा रही योजनाओं परियोजनाओं की ओ के दृष्टिगत मेरी योजना नामक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें जन सामान्य की जानकारी हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं को रखा गया है। भाषा विभाग द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 योजना संचालित की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके द्वारा NIC के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैक एंड सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परिवहन विभाग के मुख्यालय में स्थापित किया गया है। वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित की जा रही है। विभाग द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वाहनों एवं पंजीयन लाइसेंस से संबंधित 58 सेवाओं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है, तो वहीं विपक्ष ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट सत्र की अवधि कम रखकर सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है, पर विपक्ष तय समय में भी जरूरी सवालों पर उसे घेरेगी। साथ ही कार्य मंत्रणा समिति में विपक्ष को नहीं बुलाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए, विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा के बहुत बड़ा मुद्दा है आपदा और खस्ताहाल सड़कें इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर हमारे माननीय विधायक नियमों के अंतर्गत सदन में अपनी बात को रखना चाहेंगे। बजट सत्र की कार्यवाही गैरसैंण की जगह देहरादून में की जा रही है, जिस पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गैरसैंण की अवहेलना कर रही है। इसी को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत किया और इस दौरान महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोखी, प्रदेश प्रवक्ता आशीष पाल बिष्ट और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे।
ये देखिए गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक शब्द प्रतीक शब्द है। संसद में गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया, इसका जो सृजन हुआ, इसका जो स्थापना हुई वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडा वन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और फिर खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो बजट सत्र हैं वो भविष्य में गैरसैंण में होंगे, और आप निरंतर गैरसैंण से भाग रहे हैं। गैरसैंण में एक पत्थर भी आपने नहीं लगाया, कोई विकास का काम नहीं किया। तो इन सब चीजों के खिलाफ ये चीजें जो है दुख पहुंचाने वाली हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य था एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर कि मैं अपना विरोध प्रकट करूं। 11 बजे विधानसभा बैठ रही थी, इसलिए मैंने 10 बजे जो है ये सद्बुद्धि आए सरकार को, और सरकार कम से कम विधानसभा में ये घोषणा करे कि भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं होगी, इसलिए जो है मैंने उपवास पर बैठने का। और चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।